था, ये गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव था, ये मेरा साधारण चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव। सुबह जो राजस्थान विधानसभा के जो आम चुनाव हुए, उसके झुंझुनू जिले में 7 विधानसभाएं थी, उन 7 विधानसभाओं के परिणाम विधि अनुसार घोषित किए जा चुके हैं और शांति के साथ सभी संपन्न हुए। ये बहुत ही रोमांचक चुनाव था और ये हकीकत है, गरीब और अमीर का चुनाव था, ये गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव था, ये मेरा साधारण चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव था। लोग वहाँ शांति चाहते थे, गुंडागर्दी को हटाना चाहते थे, लूट खसोट को मिटाना चाहते थे। लोगों ने ये चुनाव लड़ा और चुनाव में शानदार मतदान किया और चुनाव में विजय बनाया, इसके लिए जनता को परिणाम के लिए काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा, रिकाउंटिंग हुई। काउंटिंग कराते रहे तो उसके लिए तो मैं भी क्या करूँ, कभी कोई बैलेट पेपर का कराते, कभी कराते कराकरों के बदले। विकास को लेकर क्या विजन रहेगा? विकास जो मेरे से हर संभव बनेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा। कोई बहुत बड़ी समस्या है हमारे पानी की और है, जिसके लिए जो भी लोगों की आवाज़ आएगी, जो लोग डिमांड करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे, गांधी करेंगे। सर, मुख्यमंत्री ने 2 बार विश्वास जताया उदयपुर वाटी को लेकर, अब क्या सीएम ने आपकी मीटिंग में कहा था कि मैंने उदयपुर वाटी को गोद लिया है, क्या उसी बयान के बाद सियासी समीकरण बदले उदयपुर वाटी के? बहुत शानदार तरीके से बदले, बहुत बड़ा बयान था और इसमें कोई दोहराई नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जो बात थी तो लोगों के गहन में उतरी और लोगों को उसके बाद सच्चाई है कि मेरा चुनाव नहीं था पहले, उसके बाद मेरा चुनाव शानदार तरीके से दो चुनाव बना। सीएम के गोद लेने के बाद संदीप जी सैनी भी आपके साथ आ गए, क्या मानते हैं? ये मानता है मेरा, ये कहा जाता है तो गया। बाकी तो मेरे साथ आया, उसके लिए इसको बताइए, दूसरी बात आने से बताऊँ सही। ठीक है सर, थैंक यू।